अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है मेरे अजीज़ भाई और बहनों, वेलकम बैक। हाँ यार, वेलकम बैक टू अनदर वन ब्रांड न्यू वीडियो। हाँ तो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीम के बोनसेस के बारे में, करीम गो मीनिंग के बारे में बात करेंगे, वो भी गो मीनिंग के बारे में, मेहरान वगैरह जो चलती है उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनके बोनसेस क्या क्या हैं। वैसे तो हर कैप्टन को पता होगा उनके एप्लीकेशन में बोनसेस शो होते हैं, मगर 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 मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लड़के जो है मैसेजेस करते हैं कि यार रोमी भाई, हम सब कर रहे हैं लेकिन बोनस नहीं क्लेम हो रहा, ये नहीं हो रहा, राइड्स में इशू आ रहा है, बोनस कंप्लीट होने वाला होता है तो राइड्स नहीं मिलती, जब हम बोनस कंप्लीट करते हैं तो एक्सेप्टेंस रेट खुद लो हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स कैप्टन्स को कभी कभी शो होती हैं। आज हम सब के बारे में बात करेंगे। मगर यार, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मेरा रैप चैनल सब्सक्राइब करो, सेकंड चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो यार? ये ऊपर एक आइकन सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ऊपर एक निशान आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करो। वहाँ पर मेरे रैप चैनल की एक वीडियो पड़ी होगी, अंकल बदमाश नाम की पड़ी होगी, उस रैप को क्लिक करो और सुनो। मज़ा ना आया तो पैसे वापस, यार सही बोल रहा हूँ, मज़ा ना आया तो पैसे वापस, पर जाके सुनो और वो चैनल को भी सब्सक्राइब ठोको, ज़रूर ठोको, तभी मैं इसी चैनल पर वीडियोज़ कंटिन्यू कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। खैर चलो, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बोनसेस के बारे में बात करते हैं कि करीम में, गो मिनी में इस वक्त बोनसेस क्या क्या चल रहे हैं, उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। सबसे पहला बोनस जो चल रहा है यार, वो 1950 रुपये का बोनस है, जो कि सुबह के 5 बजे से शुरू होता है अगली सुबह के 5 बजे तक। इस बीच में आपको अगर आप 4500 रुपये अर्न कर लेते हैं तो आपको 1950 रुपये का बोनस मिलता है, और इसका मिनिमम एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 70% है। मतलब 70% आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब आपको हर राइड एक्सेप्ट करनी है, बीच में से आप सिर्फ 5 से 6 या 7 तक राइड्स आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बाकी आपकी मजबूरी आपको सारी करनी पड़ेगी अगर आपको बोनस क्लेम करना है तो। खैर नेक्स्ट बोनस पे चलते हैं। नेक्स्ट बोनस है 1250 रुपये का, ठीक है, 1250 रुपये का बोनस है, जिसमें आपको अर्न करने पड़ेंगे 3350 रुपये। जब आप 3350 रुपये अर्न करोगे तो आपको 1250 रुपये का बोनस मिलेगा। सेम टाइमिंग है, सुबह के 5 बजे से लेकर अगली सुबह के 5 बजे तक का टाइम है, और इसका भी मिनिमम ऑफ 70% एक्सेप्टेंस रेट है। आपको 70% अपना जो एक्सेप्टेंस है वो उसको बरकरार रखना है, अगर 70% से नीचे है तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके मतलब जितने आपने पैसे अर्न किए बोनस के लिए, आपने मेहनत किया, वो सारा कुछ खुडे में उड़ जाएगा अगर आपने एक्सेप्टेंस अपनी ख़राब कर दी तो। खैर तीसरे बोनस पे चलते हैं। तीसरा बोनस है 820 रुपये का, 820 रुपये का बोनस है, जिसमें आपको कमाने पड़ेंगे 2600 रुपये। 2600 रुपये आप कमाओगे तो आपको 820 रुपये का बोनस मिलेगा, और इसमें भी मिनिमम एक्सेप्टेंस जो है 70% है, इसमें भी आपको 70% एक्सेप्टेंस जो है बरकरार रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर करीम जो है, तीन टाइप के बोनसेस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, इंसेंटिव बॉक्स में तीन टाइप के बोनसेस शो हो रहे हैं। ये ज़्यादातर करीम कैप्टन्स को भी नहीं पता जो चला रहे हैं इस वक्त गो मिनी में, उनको भी शायद इस चीज़ के बारे में नहीं पता जो मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, और जो मसले मैंने स्टार्ट में बयान किए आप सबके साथ, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगा कि वो ऐसा होता क्यों है अक्सर, ठीक है। तो तीन टाइप के बोनस है जैसे मैंने आपको कहा। अब सेकेंड एक बोनस होता है, ये कभी कभी अवेल होता है, कभी कभी नहीं, वीक में 1 या 2 टाइम अवेल हो जाता है। ये बोनस है, मिनिमम इसका एक्सेप्टेंस जस्ट 50% है, ये इस वक्त तो लगा हुआ है इस पर, अब पता नहीं नेक्स्ट वीक लगेगा या हर वीक में, मेरे ख्याल से 1-2 बार ये अवेल होता है। तो ये भी ऐसा ही है, अर्निंग आपको 1400 रुपये की करनी है और 300 रुपये आपका बोनस है, 300 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप 1400 रुपये, 1400 रुपये ईजिली अर्न हो जाते हैं गोमिनी में। आप 3-4 राइड्स ले लो तो आपके मतलब 1400 रुपये अर्न हो जाते हैं, और आपको 300 रुपये उस पर एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। मतलब ये कि आप करीम की जो उनकी फ़ी है वो आपको नहीं देनी पड़ती, इन ड्राइव वाला सीन हो जाता है, आपको बोनस में ही आपका निज़ाम सारा साइकिल जो एडजस्ट हो जाता है, और उसमें एक्सेप्टेंस रेट्स भी कम है, 50% एक्सेप्टेंस रेट है 50%। तो 50% में आप ये इजीली कर सकते हो, 70% थोड़ा सा हो जाता है बंदे को मजबूरन करना पड़ता है, 50% थोड़ा सा लो, 50% में आपको जो है ना 8 से 9 राइड्स आपको कैंसिल कर लो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड टाइम का, और थर्ड टाइम का जो इंसेंटिव मैं आप सबको बताने वाला हूँ गो मिनी में, वो है पीक टाइम वाला। पीक टाइम वाला लगभग इस बोनस स्कैनर से पहले भी लगता होता था। पीक टाइम एक मखसूस किस्म का टाइम हुआ करता था, घंटे 2 घंटे का,
पहले टाइम होता था सुबह के 7 से लेकर रात सुबह से ला 7 से लेकर सुबह के 9 बजे तक का टाइम होता था। इस दौरान अगर आप राइड्स लेते तो आपको हर राइड 1.2x, 1.3x या 2.3x इस तरह के हिसाब से आपको पीक पे मिलती थी। इससे थोड़ी जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, 60-70 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर थर्ड टाइप का जो बोनस है वो डेली का है। सुबह के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में पूरा पिंडी, इस्लामाबाद, रबात तक जो है, और क्या नाम है, वाकेंड तक, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में कर रहे हो तो यहाँ तक हर जगह में जो है ना वो लगा होता है, पीक लगा होता है। इस 1 घंटे में आप जितनी भी राइड लोगे वो आपकी हर एक राइड जो है वो हो सकता है कि आपकी कोई लंबी राइड आपको मिल जाए, जैसे कि आपको कोई 50 किलोमीटर की या 40 किलोमीटर की या 30 या 25 या 20 किलोमीटर कर लो। अगर आपको इतनी लंबी इस 1 घंटे के दौरान राइड मिल जाती है तो वो राइड भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग कर जाती है, अगर आपको इस 1 घंटे के दौरान मिलती है तो। अगर आपको एक राइड मिलती है जो कि 22 किलोमीटर दूर है, नॉर्मल आपके बनते हैं करीबन 600 से 700 रुपये, 600-700 रुपये बनते हैं। अगर आप इस घंटे के दौरान आपको वो राइड मिलती है तो आप जो है 600-700 बनने हैं, वहाँ पर आपके 900-950 रुपये बनेंगे, मतलब 200-250 आपको वो भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये थर्ड टाइप का बोनस है। तो करीम में गाइस ये 3 टाइप्स के बोनस इस वक्त चल रहे हैं जो मुझे शो हो रहा है। नेक्स्ट का मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, जैसे कुछ अपडेट्स होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और आज से भाई डेली वीडियोज अपलोड होंगी, पक्का बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी ऐसा कर, अभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे करीम राइडर्स बोलते हैं यार कि जब हमारा बोनस कंप्लीट होने वाला होता है तो हमें राइड्स आना बंद हो जाती हैं, हमारी एक्सेप्टेंसेज खुद ब खुद गिर जाती है, ये वो। तो इस तरह कुछ नहीं होता मेरे भाई, इस तरह कुछ भी नहीं होता। राइड्स जो है वो आती रहती है, ये नहीं कि करीम और हेड ऑफिस से पीछे से आपको राइड्स आना बंद हो जाती हैं कि नहीं यार ये ना हो कि ये कोई जो है बोनस क्लेम कर ले, हम इसकी राइड बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ कभी इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोनस क्लेम कर चुका हूँ और मैंने उनकी वीडियोस भी बनाई है। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आप सबके साथ सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने बहुत कुछ अपने पास बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करके रखा हुआ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और ऐसी ऐसी डार्क साइड्स में शेयर करूँगा ना आपके साथ, ये करीम, उबर और ये ड्राइवर वगैरह की, इन सब की इतनी डार्क साइड्स आपके साथ शेयर करूँगा, आप परेशान हो जाओगे। यार रुमान भाई आपने क्या हमारे सामने रख दिया। पर जो भी है यार, वो फ्यूचर में शेयर करूँगा, वो एक किस्म का एक सरप्राइज़ है, ठीक है। और चलो अब इस बारे में बात करते हैं यार। इस तरह कुछ नहीं होता कि आपको राइड्स आने बंद हो जाती है। आप कभी ऐसी जगह पर चले जाते हो जहाँ पर राइड्स नहीं मिलती, जहाँ पर करीम लोग जानते ही नहीं हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग ऊबर यूज़ करते हैं। अब मैं अगर इस्लामाबाद वाली साइड की बात करूँ तो इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से 50% लोग ऊबर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऊबर एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। इन सब के मुकाबले ऊबर के प्ले स्टोर पर भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो इस्लामाबाद में मैं 50-60% लोग ऊबर यूज़ करते हैं, वहाँ पर करीम की राइड्स बहुत कम है। अगर पिंडी की बात की जाए तो पिंडी में ज़्यादातर लोग करीम यूज़ करते हैं, क्योंकि करीम जो है वो फैली ही यहाँ से, पिंडी इस्लामाबाद से ही करीम ज़्यादा फैली है। तो पिंडी में जो है ना करीम के राइडर्स बहुत ज़्यादा है। बाइक्स की बात की जाए तो बाइक्स के लिए बाइकियाँ आजकल सबसे टॉप पे, करीम उबर तो लोगों ने छोड़ ही दिया, बाइक के मामले में जस्ट बाइकें चल रहा है। और जब से इन ड्राइवर आई है, जब से ये इन ड्राइवर मार्केट में आई है, मैं तो कहता हूँ कि उबर और करीम वालों के तो एक किस्म के घोड़े लग चुके हैं। मैं कुछ और भी बोल सकता था मगर समझ जाओ यार, अकलमंद के लिए इशारे काफ़ी है। तो ऐसा है कि जब से ये आए ना इन ड्राइवर, तब से इन कंपनीज के घोड़े लग चुके हैं। और कभी कभी मैं ऐसा होता है कि मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आती है, करीम या उबर, दोनों कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि आप मोहम्मद रुमान खान बात करें। मैं कहता हूँ जी। फिर कहते हैं कि आपने करीम में राइड्स लेना छोड़ दिए हैं, उसकी वजह क्या है, आपको रेट्स का मसला है, आपको बोनसेस का मसला है, हमने बोनसेस अवेल कर दिए, हमने रेट्स बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब ये कि यार इन ड्राइवर ने इन कंपनीज को इतना डैमेज कर दिया ना कि ये कोशिश कर रही हैं, इन्होंने कभी भी बोनस अवेल नहीं करना था करीम वालों ने, अगर ये इन ड्राइवर जैसी कंपनी इनके मत्थे ना लगती तो। इन्होंने कभी अपने रेट जो है वो लो नहीं करने थे। अभी इनके जो चार्जेस थे, इनकी जो फीस थी, पहले 100 में 25-30 रुपये काटते थे, अभी 100 में 15 रुपये काटते हैं।
तो इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में। और ये वीडियो सिर्फ बोनसेस के मुतालिक थी, आप सबको बोनसेस बताने के लिए। बाय द वे गाइस, मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। वैसे भी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप बात काम की बात कम करते हो और अहम बातें आप ज़्यादा थोपते हो। तो चलो यार, काम की बात मैंने कर दी आपसे, सारी जितनी भी बात थी सारी काम की थी। और यार बोनस आप ज़रूर क्लेम करोगे, ज़रूर क्लेम करोगे जब आप अपना एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बरकरार रखोगे 70% और 50%। बाकी कुछ भी नहीं है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और रैप चैनल सब्सक्राइब करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऊपर आइकन आ रहा है, जाओ सुनो। मज़ा नहीं आया ना तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोलना यार रोमियो भाई मज़ा नहीं आया, मज़ा आएगा कसम से बता रहा हूँ। और ईद पर तो मैं पूरी एल्बम फेंकने लगा हूँ 12 ट्रैक्स की, और काफ़ी अच्छे अच्छे कोलैब्स हैं, मज़ा आने वाला है, मचने वाली है। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते हैं यार रोमी तू रैप कर रहा है, अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो तू इन सब कामों में क्यों घुसा है। मैं कहता हूँ नहीं यार, जहाँ मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो मैं उनको इस तरह नहीं छोड़ सकता यार। मैं मेरे से जितना होता है मैं उतना करूँगा। मेरी रैप कैटेगरी एक अलग कैटेगरी है, ये कैटेगरी मेरी एक अलग कैटेगरी है। तो गाइस बस ये आप सबका प्यार है, आप सब प्यार करते हो, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने व्यूज़ हैं मेरे माशाल्लाह, और ये आप सबका प्यार ही और कुछ ही नहीं। और मैं आप सबके प्यार के लिए ये सब कर रहा हूँ। और समझ जाओ ना यार, अगली गल सुने हो समझ जाया करो। इस चैनल ने भी सब्सक्राइब करो तो उस चैनल ने भी सब्सक्राइब करो, दोनों चैनल्स में कनेक्टेड रहोगे तो आप लोगों को मेरा पता चलेगा। और इंस्टाग्राम पे हो सके तो फॉलो कर लो यार, कर लो यार, कर लो ना। नहीं मतलब क्या जाता है तुम लोगों का, जब कुछ भी नहीं जाता है, एक फॉलो वाला बटन दबाना है और प्रोम करके फॉलो हो जाना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में उबर के बारे में बनाऊंगा, और वो भी अभी ही बनाऊंगा इसी वक्त, इस वीडियो के एंड होने के बाद, पर अपलोड मैं परसों करूँगा। ये वीडियो आज करूँगा, वो परसों करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।